जो मालिक का पुराना मुख आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत पुराना है और काफी गुस्से वाला रूप है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे देव श्री लक्ष्मीनारायण जी अपने भंडार में जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको किस तरह क्या होता है। जैसा कि आपने रात को देखा था कि रात को यहाँ पे जाग हुई थी, एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रखा हुआ था। देव श्री लक्ष्मीनारायण और वीरनाथ जी आए हुए थे और अभी जो है वापिस आ रहे हैं भंडार की तरफ। तो दिखाता हूँ आपको, ताकि आप देख रहे हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और ये पंडित जी, भीड़ थोड़ी कम है क्योंकि बारिश के कारण लोग नहीं आए। पूरा दिखाऊंगा आपको कि कहाँ अब देवता जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये खारा होता है, और मौसम भी काफी जबरदस्त हो रखा है। दिखाता हूँ आपको अभी आगे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हो रहा है, तो बने रहे हमारे साथ। ओके, दिखाता हूँ। भक्तजन आए हुए हैं दूर दूर से, यहाँ पे अब मिलन हो रही है। अभी देवता जो है निकल गया है यहाँ से मंदिर से, मंदिर से अब भंडार की तरफ जा रहे हैं। सो निकल चुके हैं श्रद्धालु, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मज़ा आता है यार, दिल करता है वीडियो बनाने का, कर दिया करो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो मंदिर है साथ साथ में है दोनों, और देवते का खारा यहाँ से भंडार की तरफ जा रहा है। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं और अभी नारायण जी अपने गांव में पहुंच गए हैं, और ये नप्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रभु के दर्शन कर सकते हैं, और ये भंडार है दिपले का जो कि गांव के बीचों बीच देख सकते हैं आप। और ये चांद भाई, और ये बारिश हो गई है आज, बारिश की वजह से गांव में चिकड़ चिकड़ हो गया है। बट भीड़ आप देख सकते हैं अभी कम है, रात को बहुत ज्यादा थी। दिखाते हैं आपको, आप इमेजिन कर सकते हो मौसम एकदम जबरदस्त हो रखा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। फोगी फोगी देख सकते हैं आप, ऊपर से फोग फोग हो गया है। खड़े हुए यहाँ पे श्रद्धालु, और ये बहन कितू और आंटी जी भाभी जी सभी श्रद्धालु खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पारुल जी साथ में है, और कितने सारे लोग आए हुए हैं और इस उत्सव को बना रहे हैं। सदियों से चलती आ रही है परंपरा, और अब हमारे कंधों पे आ गई है, हम इसका जो है कारोबार संभाल रहे हैं अब, क्योंकि संभालना पड़ेगा। बुजुर्ग तो जाने वाले हैं सारे, अब पूछ रहे सीएम जी हमारे, वो भी जाने वाला उस तैयारी पे है, तो हमको देखना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं यहाँ से कितना जबरदस्त व्यू दिख रहा है, वो दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। देखो भंडार के पास बैठे हुए ऊपर, भंडार से आप देख सकते हैं यहाँ से नजारा कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है, एकदम जबरदस्त फील आ रहा है यहाँ से। खास बात है कि आज मौसम, मतलब यार कि क्या था।
तारीफ करूं मैं इस मौसम की, मतलब एकदम जबरदस्त हो रखा है। नारायण नमो नारायण। अब देवता जो है आगे वाली साइड आएगा, मैं आगे से आपको दिखाऊंगा। ज्यादा भीड़ हो रखी है अभी यहाँ पे श्रद्धालुओं की। नारायण जी इसमें मालिक का पुराना मुख आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत पुराना है और काफी गुस्से वाला रूप है। ये जो खारा है ये एक साल बाद निकलेगा। अब जो है पराश ऋषि जी नारायण से विदा लेते हुए अपने स्थान पर जा रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर जो है इसी टाइम देवता बाहर निकलेगा, एक साल तक बंद रहता है देवता। जय पराश ऋषि, ओम नमो नारायण। अब वापिस हम मंदिर के पास जहाँ पे मेला ग्राउंड है वहाँ पर फिर से पहुँच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी औरतें होती है वो थालियों में धूप और फूल और अखरोट लेके खड़ी होती है, ये देवते को चढ़ाना होता है। ये देव श्री लक्ष्मी नारायण जी इनको धूप चढ़ा रहे हैं सभी औरतें जो होती है, और ये बाबा वीरनाथ जी इनको जो है औरतें धूप चढ़ा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रीति रिवाज होते हैं, ये नियम होते हैं हमारे पहाड़ों के, और श्रद्धा होती है लोगों के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार थाली में धूप और फूल और अखरोट डाल के जो है देवते के ऊपर से अखरोट को फेंकते हैं। और कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। एक वार्निंग देते सीधी, अगर हम नहीं आए वीडियो में तो डिसलाइक बजेगा, तो ये डाल दिया मैंने इसको, अब लाइक होना चाहिए। ठीक है, लाइक मारिए, बिल्कुल बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये योगेश अपने, ओके 3% रही बैटरी है, ब्लॉग खत्म, ओके बाय।